जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली अपनी जॉब्स के चक्कर में बहुत घर शिफ्ट करती थी, जिसकी वजह से मैं हर स्कूल में नई बच्ची होती थी। और तो मुझे अब याद भी नहीं कि कितने स्कूल्स में, 10 में से 9 बार तो स्कूल ग्राउंड्स के बारे में अजीब बातें होती थी या वहां की टीचर्स के बारे में, चीजें जो बच्चे एक दूसरे को डराने के लिए बनाते थे क्योंकि वो बोर्ड होते थे। एक टाइम तो मैंने उन कहानियों को लिखने की हॉबी बना ली और कभी कभी तो स्कूल के हॉन्टेड पार्ट्स को भी एक्सप्लोर करने लग गई। ज्यादातर तो वो कहानियां वेस्ट ऑफ टाइम ही होती थी, जिसकी वजह से मैं बोर हो जाती और डिटेंशन अलग मिलता। पर एक एक्सेप्शन था जो लड़के और लड़कियों के सेंट सिम्फ्रियंस कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में हुआ। ये पहले ऑल गर्ल्स स्कूल हुआ करता था कुछ सालों पहले तक, तो लड़के और लड़कियों की रेशियो कुछ अलग सी थी। टीचर्स को अच्छे से पता था कि कुछ टीनेज बॉयज का लड़कियों के स्कूल में होना भगवान की रेसिपी को वायलेट करना जैसा है। बाकी चीजों के साथ उन्होंने इस बात को इंपॉर्टेंस दी कि स्टूडेंट्स में चैस्टिटी इम्पार्ट की जाए। एक लड़का अगर किसी लड़की को देर तक घूरता तो लड़की को भी जजमेंट मिलती। एक बार मैंने अपनी स्कर्ट बहुत छोटी पहनी थी, जिसकी वजह से मुझे टीचर से 1 घंटे लंबा लेक्चर मिला कि लड़कियों को किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए अगर वो मोलेस्ट नहीं होना चाहती। एक टीचर जो क्लास की हर लड़की को पोटेंशियल प्रोस्टिट्यूट नहीं समझता था और हर लड़के को जैसे कोई रेपिस्ट हो, वो मिस्टर नेथन थे, म्यूजिक क्लास से। वो एक बहुत कूल टीचर थे और अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब कुछ करते थे। वो बहुत हैंडसम थे मेरी क्लासमेट्स के हिसाब से, जो उनके बारे में बातें करती नहीं थकती थी। करीब 34-35 साल की उम्र में उनके सुंदर चेहरे पे उम्र की झुर्रियां अभी नहीं आई थी। मुझे नहीं फर्क पड़ता था, स्कूल में मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज कहीं और थी। पहले महीने में मैंने अपने आप को अपनी फेवरेट हॉबी में बिजी कर लिया, स्कूल की कहानियां इकट्ठा करने में। मैंने यूजुअल सस्पेक्ट्स के बारे में तो सुना ही था, जैसे ब्लडी मेरी और कैंडीमैन, पर स्कूल में एक अजीब सी हूट वाली कहानी थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक लड़की ने मेरे स्कूल आने के कुछ साल पहले सुसाइड कमिट की थी। उसका नाम हैरियट था और वो अपने डॉर्म रूम की सीलिंग से लटकी हुई उसकी रूममेट को मिली थी। उसने ऐसा क्यों किया, हर किसी ने अलग अलग कहानी ही बताई। कुछ कहते हैं कि उसका दिल टूटा था, बाकी सोचते हैं कि वो एक डिप्रेस्ड लड़की थी जिसकी किसी ने सही वक्त पे मदद नहीं की और फिर बहुत देर हो चुकी थी। जो भी उसकी डेथ का रीजन था, अब कहा जाता है कि उसकी आत्मा गर्ल्स डॉर्म के रूम नंबर 185 में भटकती है। नेचुरली, क्योंकि मुझे भूतिया कहानियां बहुत पसंद है, मैंने सोचा कि क्यों ना खुद के लिए देखा जाए। क्योंकि वो एक बोर्डिंग स्कूल था और मोस्टली सारे बच्चे कैंपस में ही रहते थे, मैं अंधेरा होने का वेट करने लगी ताकि मुझे वहां से धक्के मार के बाहर ना भगा दिया जाए। मैं बाकी बच्चों की तरह कैंपस में नहीं रहती थी, पर मैं बाकी लड़कियों के साथ डॉर्मेट्री में बहुत हैंग आउट करती थी। रूम 185 डॉर्मेट्री के लेफ्ट विंग में दूर था और मैंने नोटिस किया था कि जो भी उस विंग में नहीं रहता था उसे अवॉइड ही करता था। जब मैं पूछती ऐसा क्यों है तो लड़कियां चिंतित हो जाती। कई लड़कियों ने तो यह भी बताया कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। वो डरे हुए बहुत जेन्युइन दिख रहे थे, जिसकी वजह से मुझे उस पूरी कहानी के बारे में और पता लगाने की चुल मच गई। जब मैंने वहां जाने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बांधा, मैंने अपने पेरेंट्स को एक दिन कॉल किया और कहा कि मैं रात को लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में फ्रेंड्स के साथ होंगी। जब डॉर्मेट्री की बाकी लड़कियां अपनी हॉबीज में या सोने में मग्न थी, तब मैं उस बिल्डिंग के अंदर हॉल्स में से उस कहानी वाले कमरे को खोजने गई और मेरी आंखें ऑलरेडी अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थी। जब मैं उस कमरे से कुछ कमरे दूर थी, तब मुझे किसी के बुरी तरह गला घुटने की आवाज आई। मैं थोड़ी सी चौंक गई, पर मैंने अपना हौसला जारी रखा। जब मैं उस कमरे के सामने थी, तब मैंने उस कमरे का नॉब खोला और वो बहुत आराम से खुल भी गया। मेरी जेब में ताला खोलने वाली किट थी जो मैं अंदर घुसने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, पर कमरा अपने आप ही खुल गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, पर एक गंदी पुरानी स्टाफ मेंबर्स के द्वारा छोड़ी गई जगह पे मुझे एक आरामदायक बेडरूम मिला, जहां खिड़की के विंडो ब्लाइंड्स में से थोड़ी धूप आ रही थी, जबकि रात हो रही थी।
और चौंकाने की बात थी कि वहां कोई था। मिस्टर नेथन एक बेड पे बैठे थे और दूसरे बेड पे मेरी उम्र की एक लड़की जिसके भूरे बाल थे। दोनों के चेहरों पे बहुत गंभीर भाव था और उन्होंने मेरी प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज नहीं किया। माफ कीजिएगा, मैंने कहा और दिमाग में एक्सक्यूज सोच रही थी कि मैं वहां पे क्यों हूं। एक्चुअली मैं दूसरा कमरा ढूंढ रही थी और हमें तुम में से इसे बाहर निकालना होगा, मिस्टर नेथन ने उस लड़की को कहा मुझे पूरी तरह इग्नोर करते हुए। हमारे बारे में किसी को पता नहीं चल सकता। पर ये तो पाप होगा, उस लड़की ने अपना हाथ पेट पर रखते हुए जवाब दिया। हम दोनों वैसे भी बहुत पाप कर चुके हैं, तभी हम इस सिचुएशन में आए हैं। अगर तुमने अबॉर्शन नहीं कराया तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस लड़की के चेहरे पर खटास भरा भाव आया। क्या तुम सच में हमारे बच्चे के साथ ऐसा करोगे? मैं तुरंत समझ गई कि मैं क्या देख रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही थी कि मैं वहां से भाग जाऊं, पर मैं बहक गई थी। या वो कुछ सुपर नेचुरली कंपल्शन था या मेरी खुद की क्यूरियोसिटी, ये मैं कह नहीं सकती। उन दोनों के बीच में बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर मिस्टर नेथन उस पे झपटे और उसका गला दबा दिया। वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकी, बस उसके मुंह से अपने आप को छुड़ाती हुई आवाज आ रही थी जब उन्होंने उसका गला घोंटा। जब उसकी बॉडी अधमरी हो गई, मिस्टर नेथन ने फाइनली उसका गला छोड़ा और घबराहट में उन्होंने उसकी अलमारी चेक करी, जिसमें से उन्होंने एक लंबा स्कार्फ निकाला जिससे उन्होंने उसके चोट लगे गले को लपेटा। जब उसका गला टाइटली रैप हो गया था, उन्होंने अपने आप को एक चेयर पर चढ़ाया और उस लड़की को उस बंद हुए सीलिंग फैन पर लटका दिया। फिर पहली बार जब से मैं उस कमरे में गई थी, मिस्टर नेथन मेरी तरफ देखते हुए मुड़े। मेरी सांस रुक गई जब वो मेरी तरफ चलते हुए आए, पर जब वो मेरे पास आए वो मुझ में से निकल गए जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। मैं वहां कुछ समय तक खड़ी रही और सोचती रही कि शायद ये कोई बुरा सपना होगा। मैं भी होश में आने ही लगी थी कि तभी कमरे में फिर हलचल हुई। वो लड़की थी, वो वही लड़की थी जिसका नाम हैरियट था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उसकी खोपड़ी से बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था पीछे के एयर प्रेशर की वजह से पूरी बाहर निकल जाएंगी। वो मरी नहीं थी जब मिस्टर नेथन ने उसका गला दबाया था, सिर्फ बेहोश हुई थी। पर स्कार्फ गले में लगे सीलिंग से झूलती हुई शायद वो जल्दी ही मर जाएगी। मैं उसकी तरफ भागी और उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ उसमें से वैसे ही निकल गए जैसे मिस्टर नेथन निकले थे। उसने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से उसके टाइटली लिपटे हुए स्कार्फ से खून आने लगा और उसकी मौत हो गई। मेरी बॉडी वहीं की वहीं जम गई जब मैंने उसे घुटते हुए मरते हुए देखा, जब उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी बॉडी ढीली पड़ गई। कमरा बदल गया, वहां कोई लाइट्स नहीं थी और कोई भी नहीं था। मैं एक खाली गंदे कमरे में खड़ी थी और जो कुछ वहां हुआ वो खत्म हो चुका था। मैं तब से हैरियट को देख और सुन पा रही हूं। कभी कभी मुझे वो सीलिंग से लटकी हुई दिखती है या उसकी घुटने वाली आवाजें मुझे सुनाई पड़ती हैं जब मैं सोने की कोशिश करती हूं। जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरी बॉडी ठीक उस तरह जम जाती है जैसे उस डॉर्म रूम में जमी थी। वो मुझे उस खूनी स्कार्फ जो उसका गला घोंट रहा था उसकी वजह से बात तो नहीं कर पाई, पर मुझे पता है एग्जैक्टली वो मुझे क्या कहना चाहती थी। मैं मिस्टर नेथन को मार डालूंगी ताकि हैरियट की आत्मा को शांति मिले और वो मुझे भी चैन से जीने दे। उनको अपने पे ट्रस्ट कराना मुश्किल नहीं था, वो मुझे जानने के लिए बहुत उत्सुक थे जब मैंने उन्हें लाइक करने का नाटक किया था। एक बार मैं उन्हें मारती, हैरियट मुझे छोड़ देगी और अपनी आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। मुझे पता है कि मुझे मर्डरर बनने के लिए फोर्स करने के लिए मुझे दुखी होना चाहिए, पर सच कहूं तो जो मैंने देखा उसके साथ हुआ, मैं उसे दोष नहीं दे सकती।
हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। मैं एक मिडिल स्कूल में इंग्लिश टीचर के रूप में पढ़ाती हूँ। फैकल्टी में सबसे कम उम्र की महिला होने के कारण मुझे कुछ अनवांटेड प्रिविलेजेस और कुछ चैलेंजेस भी मिलते हैं। जब भी मैं स्कूल के कॉरिडोर से नीचे जाती हूँ तो लगभग हर मेल स्टाफ एक्स्ट्रा अटेंशन देता है, जिसकी वजह से हर फीमेल स्टाफ मुझसे जलती है। मैं अपने पिता के साथ पढ़ी हुई, जो हाई स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी डेथ के बाद मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा। जब मैं 3 साल की थी तब मेरी माँ ने हमें एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया। मेरे पापा ही मेरी दुनिया थे, इसलिए उनकी डेथ के बाद मैंने अपना होम टाउन छोड़ दिया और यहाँ टीचिंग जॉब शुरू कर दी। मैंने स्कूल की बिल्डिंग के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, इसलिए मेरा डेली रूटीन काफी ईजी है। सबसे छोटी टीचर होने के नाते मुझे स्कूल में बच्चों के साथ घुलने मिलने में बहुत मदद मिलती। सभी बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनका ख्याल भी रखती हूँ। सिर्फ 7th क्लास के एक बच्चे को छोड़ के, उसका नाम कर्ट है और वो अपनी क्लास का सबसे शांत बच्चा है। वो आखिरी लाइन की कोने वाली सीट पर बैठता है और पूरे समय मुझे एक बुत की तरह घूरता रहता है। वो कभी किसी और बच्चों से बात नहीं करता। रिसेस के दौरान भी मैंने उसे अकेले दोपहर का लंच करते देखा। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और कुछ को दूसरों के सामने खुलने में समय लगता है। मुझे लगा कि कर्ट उसी टाइप का है। जब भी मैं उससे कोई सवाल पूछती तो वो झिझक जाता और दूसरी तरफ देखने लग जाता। मैंने इस बच्चे के बारे में प्रिंसिपल को भी बताया, लेकिन उन्होंने ये कहकर नजरअंदाज कर दिया कि वो सिर्फ शर्मीला है। एक दिन क्लास के बाद मैं घर जाने से पहले बुक्स अरेंज कर रही थी, तभी मैंने देखा कि लास्ट रो की सीट पर एक नोटबुक पड़ी है। मैं उसके पास गई और रियलाइज किया कि ये सीट तो कर्ट की है। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि मेरे पीछे एक आवाज आई, आप क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा कि कर्ट मेरे साथ में खड़ा है। वो मुझे देख के ऐसे गुस्सा हो रहा था जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। कर्ट, क्या ये तुम्हारी नोटबुक है? उसने मुझे जवाब नहीं दिया। बिना आंख मिलाए उसने मेरे हाथ से अपनी नोटबुक छीन ली और क्लास से निकल गया। उस दिन से मैं इस लड़के पर कड़ी नजर रखने लगी। समय बीतता गया और उसका बिहेवियर और ज्यादा सस्पिशियस होता गया। मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी नोटबुक के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। उस दिन एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा कर्ट को लेकर नजरिया बदल गया। मैं रिसर्स के दौरान वॉशरूम जा रही थी जब मैंने देखा कि 3 लड़के कर्ट को स्कूल ग्राउंड में धमका रहे थे। उनमें से एक ने उसकी नोटबुक छीनने की कोशिश की और वो आपस में भिड़ गए। मैंने दौड़कर उन्हें रोका और देखा कि कर्ट की नोटबुक लड़ाई के कारण कोने से डैमेज हो गई। उसने उन लड़कों को गंदी नजर से देखा और कहा, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये मैटर प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। मैं इस मौके के काफी समय से वेट कर रही थी। मैं एक्चुअली उसके पेरेंट्स से मिलकर जानना चाहती थी कि उसके साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। हैरानी की बात है कि कर्ट के पेरेंट्स एक्चुअल में हंसमुख थे और मुझे पूरी तरह से नॉर्मल लग रहे थे। जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि उनका बेटा घर पर कैसा बिहेव करता है, उन्होंने मुझे बताया कि वो अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताता है। वो अपनी नोटबुक में स्क्रिबलिंग करना पसंद करता है और यही वो चीज़ है जिसके बारे में वो बहुत सीक्रेटिव है, वरना वो किसी और बच्चे की तरह नखरे नहीं करता। उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या उसने कभी क्लास में गंदा बिहेव किया है, और मुझे हाँ कहना पड़ा क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। मैंने उसकी नोटबुक देखने की छोटी सी घटना का जिक्र नहीं किया क्योंकि एक तरह से मैं ही उसके सामान पर इंट्रूड कर रही थी। वो कर्ट को लेके घर चले गए। जाते जाते कर्ट मेरी ओर मुड़ा और पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान 11 साल के बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगले दिन मैंने बच्चों को एक असाइनमेंट दिया। मैंने उन्हें स्कूल के बारे में जो चीजें मुझे पसंद हैं बताते हुए एक ऐसे लिखने को कहा। सभी ने बड़े उत्साह के साथ लिखना शुरू किया। केवल कर्ट खिड़की के बाहर देखता रहा। मैं उसके पास गई और कहा, क्या तुम नहीं लिखोगे? क्या लिखूं? चीजें जो आपको स्कूल के बारे में पसंद है। नहीं, मुझे स्कूल के बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन आपको कुछ तो लिखना है।
मुझे इस एग्जाम को ग्रेड देना है। मुझे यकीन है कि तुम कुछ तो लिख पाओगे। मैं अपनी सीट पर वापस आ गई और देखा कि कर्ट गुस्से वाले चेहरे के साथ लिखना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी लोग मेरी टेबल पर आकर अपने एसेज रखने लगे। कर्ट एक बार वॉशरूम गया और उस मौके का फायदा उठाकर मैं उसके डेस्क पर उसका एसे देखने गई। वो बहुत ही नॉर्मल चीजों के बारे में लिख रहा था कि तभी मेरी नजर उसकी नोटबुक से बाहर झांकते हुए कागज की एक शीट पर गई। उस पेपर पर मेरा नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई। इसलिए बिना कुछ कहे मैंने उस कागज को बाहर निकाला और देखा कि वो एक्चुअली कागजों का एक गुच्छा था जो पतली मैगजीन की तरह स्टेपल था। जब तक कर्ट वापस आया, मैं अपनी सीट पर वापस आ गई थी। क्लास खत्म हुई और सब घर चले गए। कर्ट ये नोटिस नहीं कर पाया कि मैंने कुछ ऐसा लिया है जो उसका था। मैं उसकी नोटबुक से मिले रहस्यमय कागजों को पढ़ने के लिए वापस रुक गई। जैसे ही मैंने सुनिश्चित किया कि सभी बच्चे चले गए हैं, मैंने स्टेपल्ड पेपर्स निकाल लिए। पहला पेज एक कवर की तरह था। उसका टाइटल था मेरी इंग्लिश टीचर। कर्ट को मेरे बारे में लिखते हुए देख मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। मेरी उत्सुकता जागी और मैंने कवर पेज पलट दिया। ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई थी और नीचे पिक्चर्स बनी हुई थी। मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं स्कूल सिर्फ अपने इंग्लिश टीचर की वजह से जाता हूँ। मुझे उन्हें पूरे समय घूरना पसंद है जब वो हमें पढ़ाती हैं। वो बोलती बहुत हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके नीचे एक पिक्चर बनी हुई थी। बच्चे क्लास में बैठे हुए थे और एक छोटा ह्यूमन फिगर उन्हें पढ़ा रहा था। मुझे पता था कि वो मैं हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैंने पेज पलट दिया। आज उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मुझे आंसर करने के लिए खड़ा किया। उसका चेहरा इतना गंदा है कि मैंने मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया, पर वो मुझे जवाब देने के लिए फोर्स करती रही। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं उनका गला दबा दूं, क्योंकि वो बहुत बोलती हैं। उसके नीचे मेरा अवतार बना हुआ था, जो पहली पिक्चर में था, और मेरे गले पर रस्सियां बंधी हुई थी जैसे मेरा गला घुट रहा हो। मैं बहुत ज्यादा डर गई जब मैंने ये पढ़ा। तीसरे पेज पे कर्ट ने लिखा था, आज मैं अपनी नोटबुक डेस्क पे भूल गया। जब मैं क्लास में वापस आया, मैंने देखा वो मेरे डेस्क पे खड़ी है और मेरी नोटबुक उनके हाथ में है। अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं उसी समय उन्हें मार देता। इस बार ड्राइंग में मैं क्लासरूम डोर को अपनी पीठ दिखाए खड़ी थी और कर्ट वहां चाकू लेकर खड़ा था। मेरे दिल की धड़कने तेज हो गई। ये बच्चा तो साइकोपैथ है। मैं ये सोच के बहुत ज्यादा डर गई कि वो अकेली बेचारी आंखें आज तक मेरा मर्डर प्लान कर रही थी। मैं फाइनली लास्ट पेज पे पहुंची और अब मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरी आंखें डर के मारे ट्रेम्बल कर रही थी जब मैंने देखा मेरा अवतार क्लासरूम में मरा पड़ा है और क्रेयॉन से सब जगह खून बनाया हुआ था। सब जगह खून था, दीवारों पे, सीट्स पे। कर्ट का छोटा फिगर चाकू लिए मेरे साथ खड़ा था और उसने खून भरा चाकू पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान थी, जैसे कि वो फाइनली खुश हो। उस ड्राइंग के नीचे दो लाइंस लिखी हुई थी, जिस दिन मैं ऐसा करूंगा, मैं स्कूल को हेट नहीं करूंगा। इसके बाद मैं उन बदमाश लड़कों को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको स्कूल से नफरत करवा दूंगा। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और उठ खड़ी हुई। मैं प्रिंसिपल के रूम में गई और लकीली वो वहीं थे और कुछ पेपर्स देख रहे थे। मैंने उन्हें कर्ट का गंदा काम दिखाया और तुरंत उसके पेरेंट्स को बुलाया। उन्हें उनके बेटे की दिमागी हालत के बारे में बताया गया। उसकी मम्मी रोने लगी और पापा वो पेपर्स देखने के बाद 10 मिनट तक कुछ नहीं बोले। तब तक कर्ट को सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में रखा गया। प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद स्कूल ने उसे एक मेंटल फैसिलिटी भेजने का डिसाइड किया, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और वो रियल लाइफ में किसी को ना मार दे। मैं ये सब नहीं देखना चाहती थी और मैंने कभी भी उस बच्चे को कन्फ्रंट नहीं किया। मैं पासाडेना के दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे अब वहाँ नहीं रहना था। इस बात को 7 साल हो चुके हैं और मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से कर्ट अब 18 साल का हो गया होगा। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में आज तक याद नहीं आया था आज सुबह के पहले। मैं अपना मेल बॉक्स चेक करने आई और वहाँ एक पोस्ट कार्ड देखा। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, उस पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, मैं आज भी सोचता हूँ कि तुम्हारे खून की कैसी स्मेल आएगी जब मैं तुम्हारी पीठ पे छुरा खोपूंगा। वैसे तो ज्यादा प्रोफेशंस नहीं है जो बुरे कहे जाते हैं, पर चलो
डेंटिस्ट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्हें बुरे लोग कहा जाता है और कभी कभी सेम ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को भी दिया जाता है, पर टीचर्स को कभी नहीं ऐसा कहा जाता, बल्कि उन्हें तो अच्छे लोग कहा जाता है। पर मेरा एक्सपीरियंस एक टीचर के साथ अच्छे से बहुत दूर था। मेरा हाई स्कूल में एक फ्रेंड होता था और उसका नाम था मेसन जेकब। मेसन अच्छा स्टूडेंट नहीं था क्योंकि उसे हर टीचर से प्रॉब्लम्स रहती थी और मोस्टली सब टीचर्स को लगता था कि वो अनटीचेबल ब्रैट है। वो क्लास में भी फोकस नहीं कर पाता था और उसके ग्रेड्स भी काफी गंदे होते थे। वो नॉर्मली अपनी रिपोर्ट अपने पेरेंट्स से छुपाता था, पर इन सबके बावजूद मेसन एक अच्छा इंसान था और मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम बहुत छोटी उम्र में मिले थे, यूं कहूं तो हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो कुछ शरारती था पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे लगता था उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा स्पंक आ जाता है। अपनी पूरी फ्रेंडशिप में मैंने देखा कि लोग, चाहे टीचर्स हों या दोस्त, मेसन पे जल्दी गिवअप कर देते थे। उन्हें लगता था कि वो कभी नहीं सुधर सकता और बहुत से लोग उसे ये भी कहते थे, तुम कभी नहीं सुधर सकते मेसन। पर वो हमेशा मुस्कुरा देता और इग्नोर कर देता, और मोस्टली वो मुझे कहता, स्कूल नहीं बता सकता कि मैं कैसा इंसान, मुझे कोई नर्डी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं उस पर बिलीव करता था क्योंकि मैं उसमें कुछ अलग देखता था। मुझे पता था कि अगर मेसन नहीं सुधर सकता या वो नहीं बदल सकता, वो फिर भी लाइफ में बड़े काम करेगा, एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता था। पर मुझे क्या पता था अगले साल स्कूल में एक सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाएगा, ऐसा टीचर जो मेसन को सुधार के ही रहना चाहता था। मिस वैलेरी के आने से हमारे हाई स्कूल में कुछ चेंजेस आने लगे। वो नई सब्स्टिट्यूट टीचर थी, वैसे जिनको पता था कि शायद कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। एक शब्द में कहूं तो वो परफेक्ट थी क्योंकि वो परफेक्ट टीचर का रोल अदा कर रही थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, वो प्रोवोक करने पर भी नहीं चिल्लाती, और बाकी टीचर्स की तरह उनमें कुछ गलत नहीं था। अब तक मैं बहुत से फेक लोगों से मिल चुका था और मुझे पता था कि वो ड्रामा कर रही हैं। वो ऐसी नहीं होती जब स्टूडेंट्स आसपास नहीं होते, पर मैंने कुछ कहा नहीं। मुझे याद है वो हमेशा यही कहती थी, मैं यहां इसलिए आई हूं ताकि तुम सब समझ जाओ जो पढ़ाया जा रहा है। उस अच्छे मुखौटे की वजह से सब लोग उन्हें प्यार करते थे। वेल, सब लोग मुझे और मेसन के बजाय। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेसन बहुत शरारती था और क्योंकि मैं उसे प्यार भी करता था, उसे सफर करते नहीं देख सकता था, और वो स्कूल में हर टीचर के लिए पनौती बन गया था, और मिस वैलेरी के लिए भी ये कुछ अलग नहीं था। मुझे याद है दोपहर में उनकी क्लास थी और मेसन उन्हें बहुत दुखी कर रहा था। वो बार बार जोक्स और अजीब अजीब कमेंट्स मार रहा था और क्लास में बैठकर बार बार उन्हें इंटरप्ट कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो, मुझे याद है उन्होंने फाइनली इरिटेट होकर कहा, क्या तुम समझने की कोशिश भी कर रहे हो मेसन। फिर उसने जवाब दिया, और क्या होगा अगर मैं समझना ही नहीं चाहता। फिर उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। उसके बाद क्लास चुप हो गई क्योंकि उनकी बातों ने क्लास को थोड़ा टेंस कर दिया था। क्लास के बाद मैंने उन्हें मेसन को कहते सुना कि कल मुझे स्कूल के बाद मिलना, क्योंकि वो उन टॉपिक्स को कवर करना चाहती थी जो मेसन को नहीं समझ आए। जब हम घर जा रहे थे तब हमने क्लास के बारे में बात की और मुझे याद है मैंने उसे कहा था, ये मिस वैलेरी से बच के रहना, ठीक है, वो बाकी टीचर्स की तरह नहीं है, वो बहुत अलग है दोस्त। उसने फिर जवाब दिया, मेरी चिंता मत कर यार, ये सब टीचर्स एक जैसी है, मैं उन्हें इतना तंग कर दूंगा कि वो मुझ पे गिव अप कर देंगी बाकियों की तरह। मुझे तब याद आया कि मैंने अपनी एक किताब क्लास में छोड़ दी थी, इसलिए मैंने मेसन को चलने के लिए कहा, जबकि मैं उसे लेने के लिए वापस दौड़ा। जैसे ही मैं क्लास के पास पहुंचा, मुझे एक टेबल से टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे पता था कि कोई तो खाली क्लास के अंदर है, इसलिए मैंने चेक करने का सोचा। मैंने थोड़ा दरवाजा खोला और अंदर झांका, और जो मैंने देखा वो मुझे बहुत अजीब लगा। वो मिस वैलेरी थी और वो बार बार टेबल पे अपना सर पीट रही थी और वो शब्दों को बड़बड़ा रही थी, वो समझेंगे, वो सब समझेंगे। मुझे रंगीन पुष्पिन टेबल पर दिख रहे थे और उनके मुंह से निकल रहे थे, और वो अपना सर टेबल पर मारती ही चली गई। उनका चेहरा थोड़ा खून से भर गया था क्योंकि उनके चेहरे पर पिंस चुभ रहे थे। वो सीन देखकर मुझे उल्टी करने का मन हुआ,
मैं तुरंत बाहर बेसिन के पास भागा, पर वो वहां नहीं था। मैं वहां से उस दिन कुछ नहीं पर एक डरावना सदृश्य लेकर घर गया। मैं अगले दिन क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं मेसन को बताना चाहता था कि मैंने क्या देखा, पर उसे लगा कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा। कहानियां बनाना बंद कर भाई, मैं ठीक हूं। जब स्कूल खत्म हुआ तब मैंने देखा मेसन मिस वेलेरी के साथ एक क्लास में जा रहा है। मुझे पता है उसने कहा था मैं चिंता ना करूं, पर कल का डरावना सीन मेरी आंखों के सामने आ गया था और मैं मेक श्योर करना चाहता था कि कुछ ना हो, तो मैं उसका वेट करने लगा। मैंने उसका बाहर स्कूल ग्राउंड में वेट किया। आफ्टर स्कूल क्लास 30 मिनट की होने वाली थी और जब एक घंटा हो गया मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो है, तो मैंने अंदर जाके चेक करने का डिसाइड किया। इस बार मैंने नहीं झांका और सीधा अंदर भागा ये देखने के लिए कि क्या मेसन ठीक है। और वैसे जो एक दिन पहले मेरे आगे डरावनी घटना घटी थी, इस बार और भी ज्यादा बुरी थी। मैंने देखा मेसन की लाश खुली हुई टेबल पर पड़ी, उसकी खोपड़ी खुली हुई थी और मैंने देखा खूनी मिस वेलेरी उसके सर में उंगलियां चलाती हुई कागज डाल रही थी और कह रही थी, तुम्हें समझ आ रहा है ना? नहीं, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं? जब वो उसके खूनी लाश से बात कर रही थी मैंने उनके लेफ्ट पे देखा और क्लासरूम एक बुचर्स हाउस लग रहा था। मेरे पेट में कुछ अजीब सा होने लगा, तब मैं वहां चिल्लाने लगा। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ओह हाय मैट, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जब मैंने उनकी तरफ देखा मैंने रियलाइज किया कि वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और जैसे उनके पास एक खूनी लाश ही नहीं पड़ी हो। उन्होंने फिर बोला, मैं बस मेक श्योर कर रही हूं कि तुम्हारे फ्रेंड मेसन को जितना हो सके उतनी नॉलेज दे सकूं, ठीक है? फिर उन्होंने मेसन के खुले भेजे की तरफ इशारा किया जो अब टेक्स्ट बॉक के पेजेस से भरा हुआ था। तुम्हें समझ आ रहा है ना? मैं पीछे होने लगा और फिर वो चिल्लाने लगी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्यों? मुझे पता है। और तब मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला पागल औरत, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। तब मुझे समझ आया कि मैंने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि उन्होंने धीरे से बैट उठाया और कहा, फिर मैं मेक श्योर करती हूं कि तुम्हें भी समझ आ जाए। मैं दरवाजा बंद करके जाने लगा था, पर इससे पहले मैं ऐसा करता वो ऑलरेडी मेरे साथ थी और बिना झिझके उन्होंने बैट से मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने अपनी बाजू से अपने चेहरे को बचाया और जब वो बैट मेरी बाजू पे लैंड किया मुझे महसूस हुआ कि मेरी हड्डी टूट गई। अपने दर्द को भुला के मैं उनसे भिड़ने लगा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो मुझे ओवरपावर करने लगी। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर मैं कुछ नहीं करता तो मुझे पता था वो मुझे भी वैसे ही मार डालेगी जैसे उन्होंने मेसन को मार डाला। मुझे याद है मैंने पूरा जोर लगाकर उन्हें किक की। मैंने उनके पेट पे लात मारी, मेरी लात के जोर से वो पीछे की तरफ गिरी और नीचे गिरने से पहले उनका सर शेल्फ से लगा। मैं कह सकता हूं कि वो हिल नहीं पा रही थी और मैं कुछ टाइम के लिए बह गया था कि कहीं मैंने उन्हें मार तो नहीं डाला। पर बिना सोचे मेरे कदम क्लासरूम के बाहर भागने लगे। मैं बाहर भागा और फोन निकाल के पुलिस को कॉल लगाने लगा। वो तुरंत आ गई, पर जब तक हम क्लासरूम में ये देखने पहुंचे कि क्या हुआ है, वहां हमें सिर्फ मेसन की लाश दिखी। स्कूल प्रमाइसिस में सर्च किया गया पर मिस वेलेरी का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने फिर आसपास के इलाके की छानबीन करने की सोची और मुझे पैरामेडिक्स द्वारा ले जाया गया और मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ मेसन की लाश दिख रही थी और मैं रोने लग गया। मैं सोच रहा था कि भले ही मेसन मीन और शरारती था उसे मारना नहीं चाहिए था। मुझे कास्ट 2 महीने तक पहनना पड़ा क्योंकि मेरी बांह टूट गई थी। पुलिस ने स्कूल में बताया कि मिस वेलेरी अभी भी लापता है और उसके बाद कुछ टाइम के लिए स्कूल बंद हो गया था। मुझे ट्रॉमा की वजह से थेरेपीज पे जाना पड़ा और मुझे स्कूल भी बदलना पड़ा। मैं आज भी मेसन को हर रोज याद करता हूँ और क्योंकि उस हादसे के बाद मेरा टीचर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंड रहता है। बाद में मैंने रियलाइज किया कि दुनिया में गंदे प्रोफेसर्स नहीं होते, बस गंदे लोग होते हैं।